बीसीसीआई वालों, राजस्थान रॉयल से ऐसी दुश्मनी मत निकालो। पहले संजू को कर दिया बर्बाद, अब इसके साथ मत खेलो गंदा खेल। बीसीसीआई राजस्थान रॉयल के इस खिलाड़ी को लेकर बना रही है वो प्लान, जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे परेशान। मत दो ऐसा मौका जिसमें छुपा हो धोखा। रोहित के चक्कर में क्या बर्बाद हो जाएगा इस खिलाड़ी का करियर? बीसीसीआई का वो गंदा प्लान जिसे जानकर हर कोई हैरान। बीसीसीआई वालों, दिमाग ठिकाने लगा लो। सहवाग को अगर द्रविड़ बनाओगे तो कैसे कामयाब हो पाओगे? जी हाँ जनाब, एक बहुत बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि बीसीसीआई एक बार फिर से संजू बाबा की तरह एक और खिलाड़ी के करियर के साथ खिलवाड़ करने का प्रोग्राम बना रही है। खबर है कि इस खिलाड़ी को पहले मौका दिया जाएगा, फिर इसे फंसाया जाएगा, फिर खराब प्रदर्शन के नाम पर इसको बाहर भगा दिया जाएगा। ये पूरा खेल एक प्लान के तहत खेला जाएगा ताकि किसी को कोई शक ना हो। बस ये समझ लीजिए कि इस खिलाड़ी को सहवाग से द्रविड़ बनाया जाएगा और फिर उसे बाहर भगा दिया जाएगा। चलिए अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल WTC के बाद टीम इंडिया से पुजारा का पत्ता लगभग कट चुका है। अब BCCI नंबर 3 पर खेलने वाले खिलाड़ी की तलाश कर रही है, जिसके लिए BCCI ने एक प्लान बनाया है। BCCI चाहती है कि पुजारा की जगह नंबर 3 पर वेस्टइंडीज में यशस्वी जायसवाल खेलें। बस BCCI के इसी फैसले से फैंस को डर सताने लगा है। फैंस का कहना है कि ये जायसवाल के करियर को खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं इसे समझ लीजिए। यशस्वी जायसवाल को चेतेश्वर पुजारा की जगह मौके देने की बात की जा रही है। पुजारा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, तो यह सवाल यह है कि क्या यशस्वी जायसवाल को भी टीम इंडिया नंबर 3 पर ही मौका देगी? क्योंकि जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाज हैं, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मुंबई के लिए ओपनिंग करते हैं और इस पोजीशन पर उन्होंने शतकों की बारिश की हुई है। जायसवाल ने 15 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। यशस्वी जायसवाल के नाम 1845 रन है। जायसवाल का औसत 80.21 का है। इन मैचों में यशस्वी जायसवाल 26 पारियों में 9 शतक भी लगा चुके हैं। यशस्वी का कन्वर्जन रेट कमाल का है। 9 शतक लगाने वाले बल्लेबाज ने केवल 2 अर्धशतक लगाए हैं। वो छोटी पारी को बड़ी पारी में बदलना जानते हैं। यशस्वी जायसवाल के आंकड़ों से साफ है कि वो बतौर ओपनर काफी कामयाब रहे हैं और यही पोजीशन उन्हें सूट भी करती है। अब अगर टीम इंडिया ने उन्हें नंबर 3 पर मौका दिया तो उन्हें अपने खेल में बदलाव करना पड़ सकता है, जो जायसवाल और टीम इंडिया दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग कराई जाए? तो उसका जवाब है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कप्तान है और अगर वो ओपनिंग की बजाय किसी और पोजीशन पर खुद खेल लें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेल लिया है और उन पर परफॉर्मेंस का ऐसा दबाव भी नहीं होगा जैसा यशस्वी जायसवाल महसूस करेंगे। तो ऐसे में अगर कप्तान साहब अपनी जगह यशस्वी जायसवाल से ओपन कराएं और खुद नंबर 3 पर खेलें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर जायसवाल नंबर 3 पर फेल हो गए तो खराब प्रदर्शन के नाम पर उनके साथ भी वही खेल होगा जो संजू सैमसन और पृथ्वी शो के साथ हो रहा है। जिस तरीके से खिलाड़ी को टीम इंडिया में खराब प्रदर्शन के नाम पर बाहर कर दिया जाता है, वो काम जायसवाल के साथ हो सकता है। इसीलिए टीम इंडिया अगर वास्तव में यशस्वी जायसवाल को बड़ा खिलाड़ी बनाना चाहती है तो कप्तान रोहित शर्मा को बड़ा बलिदान देना होगा और इस खिलाड़ी को ऊपर खिलाना होगा ताकि वो उस तरीके से क्रिकेट खेल सके जैसा वो अभी तक खेलता हुआ आया है। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? क्या वास्तव में नंबर 3 पर यशस्वी जायसवाल के लिए खतरा है? कमेंट करके जरूर बताएं।